माया नगरी मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलिफेंटा की गुफाएं आखिरकार रोशन हो ही गई। आजादी के 70 साल बाद समुद्र में 7.5 किलोमीटर लंबी केबल बिछाकर घरापुरी टापू पर बिजली पहुंचाई गई है। इस बड़ी उपलब्धि को राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐतिहासिक बताया है। ऐसा पहली बार है जब इस तरह के बड़े केबल का उपयोग कर अरब सागर में बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से विश्व विरासत पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। एलिफेंटा की गुफाओं में विद्युतीकरण के लिए कुल 25 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका कार्य 15 महीने में पूरा हुआ है। बता दें कि इस परियोजना का फायदा पास के 3 गांव राजबंदर, मोरा बंदर और शेत बंदर को भी पहुंचेगा। महाराष्ट्र बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्रीय निर्देशक सतीश के अनुसार भारत के समुद्र में बिछाया गया यह सबसे लंबा बिजली केबल है और इसे बिछाने में करीब 3 महीने का समय लगा है। इसके अलावा हमने यहाँ के 3 गांवों में से प्रत्येक में 6 स्ट्रीट लाइट टावर लगाया है जो 13 मीटर ऊंचा है और इसमें 6 शक्तिशाली LED बल्ब लगाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 200 घरों में बिजली के एक मीटर कनेक्शन और कुछ उपभोक्ताओं को व्यावसायिक कनेक्शन दिए गए हैं। एलिफेंटा की कलात्मक गुफाओं का वास्तविक नाम घारापुरी गुफाएं हैं। एलिफेंटा नाम इन्हें पुर्तगालियों के शासनकाल में यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। इस स्थान पर कुल 7 गुफाएं हैं जिनमें से मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं। हालांकि इस स्थान पर हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन विशेष रूप से ये शिव को समर्पित है। इनमें शिव भगवान के कई रूपों को उकेरा गया है। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी मूर्तियां उनके विभिन्न रूपों और क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें से एक त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह मूर्ति करीब 23 से 24 फीट लंबी और 17 फीट ऊंची बताई जाती है। इस मूर्ति में भोलेनाथ के 3 रूपों को दर्शाया गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।